वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पाकीज़ा। तो चिकन पाकीज़ा बनाने के लिए आधा किलो चिकन ले लिया है, इसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं मैंने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, 1 नींबू का रस डालेंगे, मसालों में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तेज वाली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून गरम जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और ऑरेंज फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप कश्मीरी मिर्ची ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और 1/2 कप मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट कर इसमें डालना है। अब हम इन सबको है ना मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेना है ताकि मसाले हर जगह लग जाए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। देखिए चिकन को मिक्स कर लिया, इसको साइड में रख देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। 2 बड़े चम्मच तेल में 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 बड़े प्याज को मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। इसको हमें हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भून लेना है, गोल्डन कलर आने तक। देखिए प्याज हमारी भुन चुकी है। अब हम इसमें थोड़े से मगज़ ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें मगज़ ऐड किए हैं। इनको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं प्याज के साथ। अब 2 बड़े साइज के टमाटर ऐड कर देंगे, इसको भी मैंने रफली चॉप कर दिया है टमाटर को। इनको भी हमें भून लेना है अच्छे तरीके से ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और गल जाए बिल्कुल। देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम पेस्ट बना लेंगे पीस कर। अब सेम पैन में मैंने 5 चम्मच तेल लिए हैं। तेल गरम होने पे मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड किए थे, छोटी इलायची हरी वाली, दालचीनी, लौंग, काली मिरी और जावित्री और तेज़पत्ता, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ी सी एक छोटी साइज की प्याज का बिरिस्ता बना लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड बिरिस्ता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जलाना नहीं है प्याज को वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा आपकी ग्रेवी का। हल्का सा बस उसको ब्राउन करना है। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें डालें और फुल फ्लेम पर चिकन को हमें सॉटे कर लेना है। पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसको हमें हल्का सा शैलो फ्राई कर लेना है चिकन को। देखिए एक तरफ से शैलो फ्राई हो चुका है, इस पर थोड़े मार्क्स आ चुके हैं फ्राई के, तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ, इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से जो ये फ्राई हो चुकी है चिकन और ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। अब जो हमने मसाला पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें पानी वगैरह का ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये जो है ना थिक ग्रेवी बनकर रेडी होती है। देखिए जार में थोड़ा सा हमारा मसाला बच गया था तो मैंने थोड़ा सा बस पानी डाल के उसको भी ऐड किया है, वेस्ट नहीं करना है मसाले को। अब फुल फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे ताकि सारे मसाले भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए। देखिए मसाला भून चुका है, अब हम लो फ्लेम पर इसको कवर करके 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ठीक है, 10 से 15 मिनट ताकि चिकन गल जाए और सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने 15 मिनट इसको पकाया है लो फ्लेम पर और माशाल्लाह ग्रेवी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है, तेल भी ऊपर आ चुका है और चिकन भी हमारी फुल कुक हो चुकी है। और इसमें देखिए मैंने पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया था, बस थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत थिक होती है, अभी ठंडा होने के बाद ना और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो इसको पतला बिल्कुल नहीं करना क्योंकि गाढ़ी ही अच्छी लगेगी खाने में। अब हम इसमें 1/2 कप क्रीम ऐड कर देंगे, क्रीम को अच्छे से फेंट ले और ऐड कर दे। अब क्रश करके कसूरी मेथी डालेंगे इस पर और चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देना है।
और सबसे मज़े का इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है चीज़। तो आपने एक क्यूब चीज़ का लेना है और उसको ग्रेट करके इसमें डालना है, क्योंकि यही पूरी रेसिपी की जान है। इसी से बहुत टेस्टी और लजीज, बोलते हैं ना फाइनल टच जो होता है रेसिपी का, वो चीज़ ही है इसमें। तो इसको आप क्रश करके डाल दें, ग्रेट करके चीज़ को, ताकि इसमें भी चीज़ के जो है ना फ्लेवर्स आ जाए। या फिर आप सर्व करते टाइम भी डाल सकते हैं, क्योंकि सर्व करते टाइम तो डालना इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये जो डिश का मेन जो चीज़ है वो चीज़ ही है। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने 2 मिनट बस मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार हमारा ये देखिए ग्रेवी बना है। मैं आपको सर्व करके बता रही हूँ। अब चिकन के पीसेस भी हम रख देंगे। अब चीज़ को हम ग्रेट करके डालेंगे। जब आप इसको सर्व करें प्लेट में तो लास्ट में इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट कर लें। अब थोड़ा सा फाइनल टच देने के लिए हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा छिड़क देंगे ताकि लुक वाइज और ज़्यादा अच्छा लगे। तो हमारी मज़ेदार सी चिकन पाकीज़ा की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह इतनी मज़ेदार ये डिश बनी थी, इतनी लजीज और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाएं मेरे तरीके से, आपके घर में सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। और आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि बटर पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है ये बटर पराठे के साथ। तो देखिए मेरे रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई किया कीजिए, ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि टेस्ट में कैसी है। और मेरी रेसिपीज़ को फुल वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।